हे एवरीवन, सो टुडे आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो ऑफ ऑयल पेंटिंग। आज मैं फर्स्ट टाइम ऑयल पेंट को ट्राई करने वाली हूँ, सो लेट्स सी के क्या रिजल्ट्स आते हैं और मैं इसे कितना अच्छे से अप्लाई कर पाऊँगी। यहाँ पर मैंने अपना स्केच जो कि एक पोर्ट्रेट है वो मैंने ड्रॉ करके ऑलरेडी रखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने कलर मिक्स करके रखे हुए हैं अपनी पैलेट में। यहाँ पे कलर मिक्सिंग के लिए मैंने पैलेट नाइफ का यूज़ करा है, और यहाँ पे जो ऑयल पेंट मैंने यूज़ करा है वो आर्टिस्ट ऑयल कलर्स हैं। ऑयल पेंट को हमेशा डार्क टू लाइट की तरफ पेंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो सबसे डार्क टोन्स होंगी पेंटिंग में मैं उससे शुरू करूंगी। यहाँ पे मैं 0 साइज की पेंट ब्रश का यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे जो पेपर यूज करा है वो 300 GSM शीट है, और इसके ऊपर मैंने पहले एक लेयर एक्रेलिक पेंट से कोट करा है जिससे कलर ऑयल पेंट इस पर सही से अप्लाई हो और शीट जो है पेंट को एब्जॉर्ब ना करे। यहाँ पे अब मैं डिटेलिंग कर रही हूँ आईज की। यहाँ पे हाइलाइट्स में हल्के दूंगी, वाटर लाइन को हल्के टोन से पेंट करूंगी, और उसके बाद फिर जो आईज के आसपास के रिंकल्स और लाइंस हैं उसे मैं डार्क कलर से पेंट करूंगी। यहाँ पे मैं पूरे में छोटे ही ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं डार्क टू लाइट की तरफ टोन्स को पेंट कर रही हूँ। यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ड्राइंग का बहुत सही से ध्यान रख करके पेंट को लगाएं और उसे शीट पे मर्ज करें। डार्क टू लाइट का ख्याल रखें, टोन्स को देखें और उसके हिसाब से पेंट करें। ऑयल पेंट की एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि अगर आप वहाँ पे कोई भी कलर लगाने में मिस्टेक करते हैं तो आप उसे बहुत आराम से ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कलर ओपेक होते हैं। आप लेयरिंग में इसके ऊपर काम करके उसे और अच्छा बना सकते हैं। डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर का लगाना आसान है, जबकि अगर आप कहीं पे लाइट कलर यूज़ कर लेते हैं और आपको वहाँ पे डार्क कलर लगाना हो तो वो उसके ऊपर इजीली नहीं लग पाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैसे डिटेलिंग कर रही हूँ, स्किन टोन्स को मर्ज कर रही हूँ। डार्क टू लाइट की तरफ जाते हुए मैंने आइज़ और चीक्स की तरफ पेंट किया है। जहाँ पर मुझे डार्क कलर लगाना था वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो रही है लगाने में, बट इट्स ओके, यहाँ पर आप लेयरिंग में काम करके इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आईब्रोज को पेंट कर दिया है, और यहाँ पे मुझे जहाँ भी लग रहा है कि थोड़ा सा डार्क लाइट होना चाहिए वहाँ पे मैं टोन्स को देख करके पेंट कर रही हूँ। आप यहाँ पे फ्लैट ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो फ्लैट ब्रश अवेलेबल था मैं उससे कलर मर्ज कर रही हूँ इसके फोरहेड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं छोटे ब्रश का यूज़ करके फिर से कलर्स को टोन्स को मर्ज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने किस तरह से डार्क टू लाइट जाते हुए चीक बोन्स और चीक्स को पेंट करा है। यहाँ पे उसी तरह से मैं जॉ लाइन को भी पेंट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने डार्क कलर लगाया और उसके बाद फिर लाइट कलर्स के साथ उसे मर्ज करते हुए स्प्रेड करते हुए शीट के ऊपर काम कर रही हूँ। ऑयल पेंट की ये बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत स्मूथली पेंट होता है। अगर आप कैनवास पे काम करेंगे तो वो और अच्छे से रिजल्ट्स आएंगे, बट क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस है मैं यहाँ पे सिर्फ पेपर का यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ आपको देखना है कि आपकी पिक्चर में कैसे कलर्स हैं, और वही कलर आपको सिंपली उठा के अपनी शीट के ऊपर लगाना है, और वो पैच लगाने के बाद आपको उसे मर्ज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितनी स्मूथली स्किन की टोन्स को टेक्स्चर को बनाया है।
में भी मैं ऐसे ही काम करूंगी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो सबसे डार्क टोन थी लिप्स की वो लगाया, उसके बाद फिर थोड़ी मिडिल टोन लगाई, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिप्स की सबसे लाइट टोन लगाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं छोटे ब्रश का यूज़ करके कैसे मर्ज भी करती जा रही हूँ पेंट को। यहाँ पे फिर से मैंने जो सबसे लाइट टोन थी जहाँ पे हाइलाइट्स होंगी लिप्स की, वहाँ पे मैंने ये लाइट टोन लगाई वाइट कलर के साथ मिक्स करके। ज़ीरो साइज़ के ब्रश के साथ अभी तक मैंने ये ऑलमोस्ट पूरी पेंटिंग करी है, और लिप्स में भी मैं ज़ीरो साइज़ के ब्रश के साथ डिटेलिंग कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे लगेगा कि थोड़ा डार्क टोन्स होनी चाहिए वहाँ पे मैं हल्के ब्लैक के साथ उसे मर्ज करूँगी रेड को और पेंट करूँगी। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़े हाइलाइट्स होने चाहिए मैं वहाँ पे वाइट कलर का यूज़ करके स्किन टोन के साथ मर्ज कर रही हूँ नोज़ के ऊपर। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये पेंटिंग आपको कैसी लगी। यहाँ पे मैं लाइट टोन्स का यूज़ कर रही हूँ और डार्क टोन्स का भी यूज़ कर रही हूँ साथ साथ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैसे इन लाइंस को पेंट कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे टोन्स में कमी लग रही है डार्क टोन्स और डाल रही हूँ, लाइट टोन्स भी डाल रही हूँ साथ साथ और डिटेलिंग करती जा रही हूँ। यहाँ पे छोटे ब्रश का यूज़ करके मैंने ऑलमोस्ट पूरी जॉ लाइन, चीक बोन्स, लिप्स के पास के पूरे एरिया को, चिन को पेंट कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आपकी पिक्चर में कैसी टोन है, और सेम टोन को मिक्स करके इसके लिए आपकी कलर मिक्सिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए वो लगाना है। और अब यहाँ पे मैं टीथ्स में पेंट लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपली वाइट के साथ ब्लैक कलर का मिक्स करके यहाँ पे लगाया है और वाइट लिप्स खुद से ही बन गए हैं वो। यहाँ पे अब मैं हल्का ग्रे कलर का यूज़ करूँगी टीथ्स के ऊपर शेडिंग के लिए, और वाइट कलर का यूज़ करूँगी हल्का हाईलाइट देने के लिए। अब यहाँ पे मैं इस पेंटिंग में पहली बार एक बड़ा ब्रश यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जॉ लाइन को थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ और नेक के ऊपर पेंट लगा रही हूँ। यहाँ पे ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना इसको क्रिएटिव दिखाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। आप यहाँ पे अपनी पसंद से कैसे भी बैकग्राउंड या फिर कुछ भी इसके ऊपर एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कैसे डार्क कलर लगा के उसे लाइट कलर के साथ मिक्स करा है अपनी पेंटिंग में। अब यहाँ पे मैं डार्क कलर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का यूज़ करा है बर्न सियाना के साथ, फ्लावर्स के लिए जगह छोड़ते हुए मैं हेयर्स में पहली टोन डाल रही हूँ जो कि पूरी तरह से डार्क है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लाइट टोन डालूँगी। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से फर्स्ट टोन करी है। यहाँ पे मैं बहुत रफली अपने ब्रश को यूज़ कर रही हूँ जस्ट एक इफ़ेक्ट देने के लिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं करूँगी बाल में, और छोटे ब्रश से थोड़े बहुत बाल बाहर की तरफ दिखाऊँगी। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड के लिए ग्रीन कलर का यूज़ किया है।
फ्लावर्स के लिए मैंने यहाँ पर क्रिम्सन रेड का वर्मिलियन रेड के साथ यूज़ करा है। यहाँ पे रेड का जो सबसे डार्क टोन था मैंने वो लगाया है, उसके बाद फिर मैं सारे लाइट टोन्स को मिक्स करके यहाँ पे लगाऊंगी। अगर ऑयल पेंट से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर आप पहली बार ऑयल पेंट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी सिंपल चीज़ यूज़ करनी चाहिए, सिंपल ऑब्जेक्ट या फिर कोई लैंडस्केप। अगर कोई पोर्ट्रेट आप बनाएंगे तो उसमें बहुत मुश्किल होगी आपको, क्योंकि ज़रा सा ऑयल पेंट की वजह से आपके पोर्ट्रेट का कैरेक्टर बिगड़ सकता है और वो उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। यहाँ पे नेक पे भी मैंने लाइट डार्क टू लाइट का यूज़ करके पेंट कर दिया है। मैं नीचे कपड़े के ऊपर पेंट लगा रही हूँ और फ्लावर्स भी मेरे ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब इसमें सिर्फ लाइट टोन्स लगाऊंगी मैं। छोटे ब्रश का यूज़ करके मैं सैप ग्रीन के साथ येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ फ्लावर्स के स्टेम्स के लिए। यहाँ पे मैं अब लाइट टोन लगा रही हूँ फ्लावर्स में, हल्का वाइट कलर यूज़ करके। ये खुद से ही पिंक के साथ मर्ज हो रहा है शीट के ऊपर और एक लाइट टोन बन रही है। अगर आप ऑयल पेंट पहली बार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप स्केच को ज़्यादा से ज़्यादा फेयर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग अच्छी हो स्केच की, उससे आपके ऑयल कलर के रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे फ्लावर्स की भी डिटेलिंग थोड़ी बहुत हो गई है। यहाँ पर मैं सबसे लाइट टोन वाइट कलर का यूज़ करके लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने येलो कलर का यूज़ किया फ्लावर्स के सेंटर में। यहाँ पर मैं वाइट कलर का यूज़ करके हाईलाइट्स दे रही हूँ और ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।